Hello dear students and welcome to this online lecture series on Elements of Electrical Engineering. Elements of Electrical Engineering has subject code 22215. हमने यूनिट नंबर 1 मैग्नेटिक सर्किट ये शुरू किया है जिसमें आज हमारा पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिक सर्किट. मैग्नेटिक सर्किट यानी क्या होता है यह हम इस वीडियो में देखेंगे. लर्निंग आउटकम्स आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक सर्किट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बार मैग्नेट. इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग मैग्नेटिक सर्किट यानी क्या होता है और बार मैग्नेट क्या होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है ये आपको देखने मिलेगा. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक सर्किट का क्या डेफिनेशन है. सर्किट अ सर्किट इज अ क्लोज पाथ फॉर्म्ड बाय वेरियस एलिमेंट थ्रू विच क्वांटिटी कैन बी ट्रांसफर्ड. यानी हम सर्किट को ऐसा एक क्लोज पाथ डिफाइन करेंगे जिससे कि वेरियस क्वांटिटी जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है. जैसे हम एग्जांपल लेंगे, हमारे घर में पाइप होता है, पानी का पाइप. उसमें क्या होता है कि पानी एक जगह से दूसरी जगह हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो वो जो पाइप है वो होता है पाथ और जो पानी उसमें से फ्लो होता है उसको हम कहेंगे क्वांटिटी और वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसको हम बोलेंगे कि वो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है. तो वो भी एक सर्किट ही है पर उसमें क्लोज पाथ फॉर्म नहीं होता है. क्लोज पाथ इस वर्ड जो है ये सर्किट में क्लोज पाथ ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. अब क्लोज पाथ का मतलब क्या है, तो क्लोज पाथ का मतलब ये होता है कि अगर कोई क्वांटिटी, सपोज ये जो आप देख रहे हो ये कौन सा सर्किट है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है. अगर और इलेक्ट्रिकल सर्किट में जैसे हमने एग्जांपल में देखा कि वाटर का जो पाइप है उसमें क्या फ्लो होता है, पानी फ्लो होता है, वैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या फ्लो होता है, करंट. पर करंट कैसे फ्लो होता है कि वो अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये वायर से फ्लो होके फिर से उसी पॉइंट पे आता है और ये कंटिन्यूअस गोल गोल घूमते रहता है. यानी एक जहां से वो शुरू हुआ फिर से वही आता है, फिर से वही से वो पास होके फिर से वहां आता है, इसको हम कहते हैं क्लोज्ड पाथ. तो अगर आप जब भी सर्किट ये टर्म डिफाइन करोगे तो आपको ये क्लोज पाथ जो वर्ड है ये लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है. अब ये सर्किट देखो, आप डेफिनेशन फिर से एक बार देखेंगे हम. अ सर्किट इज अ क्लोज पाथ फॉर्म बाय वेरियस एलिमेंट. अब कोई भी एक हम जनरली देख रहे हैं कि टर्म सर्किट जो है वो एक क्लोज पाथ है जो कि अलग अलग एलिमेंट से बनाया जाता है और उससे कोई भी क्वांटिटी एक जगह से दूसरी जगह क्या की जाती है, ट्रांसफर की जाती है. ट्रांसफर करना यानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना. अब सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट भी हो सकता है, मैग्नेटिक सर्किट भी हो सकता है. अब ये मैग्नेटिक सर्किट में आप देख रहे हो कि ये भी क्लोज पाथ है क्योंकि अगर हम इस पॉइंट से शुरू करते हैं, हम एक पूरा चक्कर लगाते हैं तो हम फिर से उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं. तो एक पॉइंट से शुरू करने के बाद अगर हम उसी पॉइंट पे पहुंचते हैं तो हम उसे कहते हैं क्लोज्ड पाथ. अगर एक सर्कल ड्रॉ किया है और आप उसके उसके बाउंड्री पे घूम रहे हो तो आप एक पॉइंट से शुरू करके फिर से वहां पे पहुंचते हो तो आपने क्या कंप्लीट किया, आपने एक क्लोज पाथ में आप घूमे, ऐसा हम कंसिडर करेंगे. अब मैग्नेटिक सर्किट है, हम इस चैप्टर में मैग्नेटिक सर्किट के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो मैग्नेटिक सर्किट पढ़ने के लिए हम सबसे पहले मैग्नेटिक सर्किट की डेफिनेशन पढ़ेंगे. तो अ क्लोज पाथ फॉर्म बाय मैग्नेटिक मटेरियल थ्रू विच मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी ट्रांसफर्ड. तो मैग्नेटिक सर्किट एक ऐसा क्लोज पाथ है जिस जो कि एक मैग्नेटिक मटेरियल से बना है और उसमें से फ्लक्स क्या होती है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होती है. जैसे
पानी पानी के पाइप, आपने पाइप देखा है उसमें से कैसा पानी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में, मैग्नेटिक सर्किट जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल से बनाया जाता है और जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होती है। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है ये हम बाद में देखेंगे। ये है मैग्नेटिक सर्किट का डायग्राम। ये देखो, ये जो है ये मैग्नेटिक मटेरियल है और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसमें से पास होता है, ये पूरे सर्किट में वो प्रेजेंट रहता है। और मैग्नेटिक सर्किट, ये भी एक मैग्नेटिक सर्किट का ही डायग्राम है जिसमें कि फ्लक्स ये मैग्नेटिक मटेरियल से एक जगह से दूसरे जगह पूरी ट्रांसफर हो रही है। अब मैग्नेटिक सर्किट पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले मैग्नेट यानी क्या होता है, कौन से प्रकार के मैग्नेट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और वो मैग्नेट कौन सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं ये हम देखेंगे। तो मैग्नेट यानी एक ऐसा सब्सटेंस जो कि आयरन या फिर बाकी जो अलॉयज है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करना यानी अपने तरफ वो खींचता है। अगर आपने देखा होगा कि मैग्नेट हम किसी भी लोहे की चीज के तरफ लेके जाते हैं तो वो उससे तुरंत चिपक जाता है, जिससे हम उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, अट्रैक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। तो हम इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट यानी क्या है, मैग्नेट इन द फॉर्म ऑफ बार विथ मैग्नेटिक पोल्स एट ईच एंड इज नोन एज बार मैग्नेट। इस मैग्नेट को बार मैग्नेट नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये बार के फॉर्म में होता है। अब बार का फॉर्म यानी आप ये देख सकते हो कि इस शेप को हम बोलेंगे बार शेप, ठीक है। अब इस मैग्नेट के जो दो एंड्स होते हैं उसमें दो पोल्स होते हैं, ये एस जो आप देख रहे हो इसे कहेंगे हम साउथ पोल और ये जो N है इसे हम कहेंगे नॉर्थ पोल। यानी बार शेप का जो मैग्नेट है और उसमें दो मैग्नेटिक पोल्स है, ऐसे मैग्नेट को हम बार मैग्नेट कहेंगे। तो बार मैग्नेट यानी क्या है, जिसका शेप बार शेप है और उसके दो पोल्स है। कौन से पोल्स है, S यानी होता है साउथ पोल और N यानी होता है नॉर्थ पोल। अब ये बार मैग्नेट क्या करता है, When a bar magnet is suspended freely, it aligns itself with one end pointing toward north of earth and other towards the south of earth. अब आपको पता है कि चार directions होती है, north, south, east और west। तो अगर bar magnet हम ऐसे freely रख देंगे, यानी हम उसको फ्रीली सस्पेंड करना, यानी अगर हम इसको एक धागे से बांध के ऐसा लटका देंगे, हवे में रख देंगे, तो ये क्या करेगा, अपने आप नॉर्थ के तरफ, यानी जो नॉर्थ डायरेक्शन होगी, जो उत्तर दिशा होगी उसके तरफ ये नॉर्थ पोल जाएगा और जो दक्षिण दिशा होगी उसके तरफ ये साउथ पोल जाएगा। यानी हम ये कह सकेंगे, अगर आपको बार मैग्नेट दे दिया तो नॉर्थ के तरफ जो साइड अलाइन होगी, यानी नॉर्थ के तरफ जो पॉइंट करेगा बार मैग्नेट, हम कहेंगे कि ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और दूसरा जो दक्षिण दिशा के ओर होगा उसे हम कहेंगे कि ये साउथ पोल है। तो ये हो गए कि बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज, कि इसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बार मैग्नेट कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है। अब बार मैग्नेट दो प्रॉपर्टी शो करते हैं, कोई भी मैग्नेट दो प्रॉपर्टी शो करते हैं। एक होता है प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, यानी किसी भी चीज से वो क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, उसे हम कहेंगे, एक दूसरे के साथ चिपक जाना उसे हम कहते हैं अट्रैक्शन, ठीक है। और एक दूसरे से दूर भागना या एक दूसरे से नहीं चिपकना उसे हम कहते हैं रिपल्शन। तो बार मैग्नेट के यहाँ पे आप देख सकते हो कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल रिपेल ईच अदर। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास दो बार मैग्नेट है तो हर एक बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अगर आपके पास दो मैग्नेट है बार मैग्नेट, तो एक मैग्नेट में नॉर्थ पोल होगा,
साउथ पोल होगा और दूसरे मैग्नेट पे भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। अब जब आप एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल दोनों एक दूसरे के पास ले जाएंगे तो वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे, एक दूसरे से वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। एक दूसरे से चिपक जाना, इसे हम कहते हैं अट्रैक्शन। और अगर वही हमने एक बार मैग्नेट का साउथ पोल और दूसरे बार मैग्नेट का भी साउथ पोल, इन दोनों को हम कितना भी चिपकाने की कोशिश करें तो भी वो एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, वो एक दूसरे से क्या होंगे, दूर भागेंगे। अगर आपको रिपल्शन क्या होता है ये अगर आपको देखना है, एक्सपीरियंस करना है, तो आप आपके ईयरफोन जो है मोबाइल में, जो आप ईयरफोन लगाते हो, दोनों को एक दूसरे के पास लेके जाओ, वो चिपकते नहीं, एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर होते हैं। तो उससे जो आप जब आप दोनों ईयरफोन को एक दूसरे के पास लेके जाओगे और आप जो एक्सपीरियंस करोगे उसे हम कहेंगे प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्शन। तो ये दो प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेटिज्म की, एक होता है अट्रैक्शन और दूसरा होता है रिपल्शन। तो अनलाइक पोल, अनलाइक का मतलब होता है जो एक जैसे नहीं है, नॉर्थ और साउथ दोनों अलग है तो इसे हम कहेंगे अनलाइक पोल। अब ये अनलाइक पोल है तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से चिपकेंगे, तो चिपकने की प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, अट्रैक्शन। अब साउथ और साउथ दोनों कैसे है, एक समान है तो हम इसे बोलेंगे, ये दोनों एक समान है तो हम इसे बोलेंगे लाइक पोल्स। लाइक पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। बार मैग्नेट, अब बार मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल। अब बार मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। अगर आप बार मैग्नेट के पास कोई भी मैग्नेटिक कोई भी आयरन की चीजें लेके जाते हो तो वो एक उससे क्या होता है, एकदम चिपक जाता है। दिस अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे ज्यादा, एट द पोल्स। हमने देखा है कि बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अब अगर आप कोई भी लोहे की चीज को या आयरन के किसी भी चीज को मैग्नेट के पास लेके जाओगे तो वो जो पोल्स है वहां पे अट्रैक्शन, यानी वो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ होता है, इस पोल्स पे। अगर आप यही चीज अगर मैग्नेट के यहाँ पर चिपकाने की कोशिश करोगे तो अट्रैक्शन यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी वो चीज चिपकेगी, पर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ होता है, पोल्स पर। आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। आइसोलेटेड का मतलब होता है एक अकेला, यानी अकेला। जैसे मैग्नेट, अब ये मैग्नेट है, इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो होते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी मैग्नेट में सिर्फ और सिर्फ साउथ पोल है या सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पोल है, यानी एक अकेला मैग्नेटिक पोल्स कभी भी पाया नहीं जाएगा। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, यानी मैग्नेटिक पोल्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों एक साथ ही रहेंगे, वो कभी भी अकेले अकेले नहीं रहेंगे, यानी वो दोनों कभी अकेले नहीं रहेंगे, कभी भी आइसोलेटेड नहीं रहेंगे, वो हमेशा पेयर्स में रहेंगे, वो कभी भी अकेले आइसोलेटेड नहीं रहेंगे, वो हमेशा एक साथ यानी पेयर में रहेंगे। ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। So, in this video, we learned about following things. हमने इस वीडियो में मैग्नेटिक सर्किट यानी क्या होता है ये देखा, सर्किट का डेफिनेशन भी हमने पढ़ा, और कॉन्सेप्ट ऑफ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट यानी क्या, उसके पोल्स कितने हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो उसके पोल्स है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है बार मैग्नेट की, ये हमने इस वीडियो में देखा। These are the POs mapped for this session. Thank you and keep learning.